हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये देखते अपना अगला स्टॉक कौन सा। अपना अगला स्टॉक एक साइड इंडस्ट्री लिमिटेड। एक साइड सबको मालूम है बैटरी बनाती है, इस समय भी की चलते बैटरी की खपत बहुत ज्यादा है, तो ये सेक्टर में ये सबसे टॉप लिस्ट बैटरी सेक्टर की कंपनी है एक साइड इंडस्ट्री। इसका मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा है, तो आइए इसकी एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, आधा देख के चले जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। एक बार सीखिए आपको एनालिसिस कैसे करते हैं। ये नए लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा समझदार है वो रहने दें इसको। तो ये नए लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को। ये देखिए मार्केट कैप कितना है, 28,420 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखा है 334 रुपये का करंट प्राइस है। हाई लगाया 354 रुपये का और 170 का लो लगाया है। और ये कंपनी की बात करते हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं करते हैं। तो आप एनुअली एनालिसिस कीजिए, तो एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट छोड़ दीजिए, नेट प्रॉफिट देखते हैं, जो भी टैक्स जितना निकाल के जो नेट प्रॉफिट होता है उसकी बात करेंगे। 2012 में देखा तो 449 करोड़ का प्रॉफिट था, ऐसे 2013 में 551 करोड़ का, ये कंटिन्यूस बढ़ता गया। यहाँ पर देखा जाए तो 2018 में 694 करोड़ का, 1947 करोड़ का, ये आके फिर 2022 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ 4,357 करोड़ का। ये ईवी की वजह से हुआ है। फिर 2023 में देखा जाए तो कितना प्रॉफिट हुआ, 823 करोड़ का। तो ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, एवरी ईयर ग्रो कर रहा है इसके प्रॉफिट। अभी देखा जाए तो अभी तक का ये प्रॉफिट देखा है 2023-24 का, देखा है तो 878 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक जनरेट कर चुका है। जैसे मार्च 2024 में इसका रिजल्ट आएगा, एनुअल रिजल्ट, तो ये तकरीबन 1,000 करोड़ का प्रॉफिट रहेगा। तो अच्छा सा प्रॉफिट इसमें दिख रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कहाँ करेंगे ये चार्ट पे हम देखेंगे, चार्ट पे देखने के बाद बता करेंगे कहाँ पे एंट्री लेनी है, एग्जिट कहाँ रखना है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। तो आइए देखता हूँ, बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखा तो इसकी इक्विटी कैपिटल जो है 85 है, वो कांस्टेंट है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रिजर्व एंड सरप्लस देखा 2,602 करोड़ से लेके ये बढ़ते बढ़ते कितना आया है 2023 में 12,439 करोड़, 6 गुना इसका रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज किया है, तकरीबन 6 गुना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, कोई कंपनी अपना रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करती है, बढ़ाती है, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ बारहवीं भी बढ़ा है, बट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है इसके कंपेरिजन में। अभी टोटल एसेट की बात करें तो 3,923 करोड़ का एसेट था, ठीक है। अभी देखा जाए तो ये भी 17,058 करोड़ का मार्केट कैप टोटल एसेट है, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना करीब में ये मार्केट कैप, सॉरी टोटल एसेट अपना इंक्रीज किया है प्रॉफिट के बाद। तो ये बहुत ही अच्छी बात इस कंपनी के लिए, इसका रिजर्व एंड सरप्लस टोटल एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 45.99% है, FII ने 12.81 से बढ़ाकर 12.94 किया, और DI की बात करें 19.05 से लेकर 19.24 का ये भी इंक्रीमेंट किया है, स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 21.82% है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, शेयर होल्डिंग पैटर्न सब चीज पॉजिटिव में है। तो आइए चलते चार्ट एनालिसिस पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जाने से पहले। चार्ट एनालिसिस की बात करें तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट की एनालिसिस हो रही है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट एनालिसिस हो रही थी। यहाँ पे देखा तो ये जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ गया है, और ये बहुत दिन से यहाँ ऊपर सस्टेन कर रहा है। अभी आप इसमें एंट्री लेते तो ये जो रेंज है, ये जो जोन है, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी आप इसमें एंट्री लेते हैं, तो एंट्री लेने के बाद आप स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस 282 का रखिए, स्टॉप लॉस 280 का स्टॉप लॉस रखिए। जैसे ही क्रॉस करता है 353 क्रॉस करता तो ये टारगेट आप करेगा 390 करीब, टारगेट आप दीजिए 390 करीब, 395 टारगेट रखिए 353 क्रॉस करने के बाद। और सेकेंड टारगेट की बात करें तो 420-440 के पास आप सेकेंड टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे जाने बाद फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो थोड़ा नीचे आएगा, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो इसमें पैसा डाल के बस स्टॉप लॉस 280 का ही रखिए, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है।
किसी भी शेयर में स्टॉप लॉस रखते हैं ताकि हमारा जो भी है कैपिटल वो बचा रहे। अदरवाइज यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक आ गया तो फिर आप उसमें से निकल भी नहीं सकते, इतना ज्यादा लॉस दिखाएगा। तो प्लीज स्टॉप लॉस के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।